अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ रियल सीसी सनस्क्रीन का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि फरवरी का टाइम चल रहा है लेकिन ठंड बिल्कुल भी अब नहीं रह गई है, बहुत गर्मी पड़ने लगी है एंड धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, तो सन रेज से हमें अपने स्किन को काफ़ी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो आई थिंक जैसे ही गर्मी आती है सारी वुमेन सारी लेडीज़ के लिए हो जाता है कि हाँ सनस्क्रीन लगानी है, मतलब लगानी है, क्योंकि हमारी स्किन काफ़ी धूप में झुलस जाती है, ब्लैक हो जाती है, सन टैन की प्रॉब्लम हो जाती है और स्किन काफ़ी अजीब सी दिखने लगती है। तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करते हैं एंड आज मेरा जो वीडियो है वो इसी पर है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर मेरे वीडियो का आने वाला कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना हो। लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में एंड कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, ये है रियल सीसी का सनस्क्रीन लोशन, एंटी टैन सनस्क्रीन लोशन, SPF 25 PA+। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं सर्दियों में भी लोशन मतलब सनस्क्रीन लोशन ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे सर्दियों में भी जो धूप होती है उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो मैं सर्दियों में भी सनस्क्रीन वगैरह अपने फेस पे अपने मतलब जितने भी एक्सपोज एरिए हैं उन पर लगाना पसंद करती हूँ। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो इसमें SPF दे रखा है वो 25 है, तो ये सर्दियों के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर आप कोई भी सनस्क्रीन लीजिएगा गर्मी के हिसाब से तो आप उसमें देख लीजिएगा जो SPF हो वो 30-40 तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें डेली ही यूज़ करना है सनस्क्रीन, क्योंकि हमें बाहर जाना ही पड़ जाता है किसी ना किसी काम की वजह से। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। एंड जो मेरी सनस्क्रीन है मैं बता दूँ, रियल सीसी एंटी टैन सनस्क्रीन लोशन SPF 25 PA+ विद लेमन लाइटनिंग एंड नरिशिंग लोशन, पैराबेन फ्री सन डिफेंस। तो ये लेमन बेस पे है एंड लेमन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को एंड इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड मैं आपको बता दूँ, SPF का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, ये आपको UVA रेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, तो आपको अपनी सनस्क्रीन में ध्यान देना है कि उसमें UVA+ UVB एड मिनट्स हैं वो हार्मफुल भी नहीं होते हैं एंड ये आपको सनटैन की प्रॉब्लम से भी ऐड है। तो लेमन के बारे में तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा जानते ही होंगे, लेमन इज़ अ रिच विटामिन सी सोर्स, क्योंकि लेमन में विटामिन सी काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है जो हमारी स्किन को काफ़ी अच्छे से नरिश करता है, स्मूदी बनाता है एंड काफ़ी ज़्यादा ग्लो करता है हमारी स्किन पे। तो इस सनस्क्रीन में लेमन भी ऐड है, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ, तो जब मैं इसको लगाती हूँ अपने फेस पे तो मेरा फेस मॉइस्चराइज तो होता ही है लेकिन उसके बाद हल्का हल्का ग्लो भी करता रहता है, क्योंकि इसमें लेमन ऐड है और लेमन हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता ही है। तो बात करती हूँ मैं VLCC की, तो VLCC एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आज का नहीं है, बहुत पुराना है, सिंस 1989। तो इसके तो अब बहुत बड़े बड़े पार्लर्स भी खुल गए हैं जहाँ पर स्किन से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी एडवाइस दी जाती हैं और ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट लेकर आता है हमारी स्किन के लिए, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए VLCC के किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने में। इसके मतलब जो VLCC है इसके जो फेशियल किट वगैरह आते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, मैंने यूज़ किए हैं तो मैं उन पर भी जल्दी ही रिव्यू करने वाली हूँ। लेकिन अभी मैं सनस्क्रीन की बात कर रही हूँ, तो सनस्क्रीन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम जो गर्मी आने वाली है और इस धूप से अगर आपको बचना है तो आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें, लेकिन ध्यान रखें जो SPF होना चाहिए वो 30-40 होना ही चाहिए। एंड अब मैं इसका प्राइस बता देती हूँ, ये मुझे 200 रुपीज़ का पड़ा है, इसे मैंने बिग बाज़ार से परचेज़ किया था तब जब सर्दियाँ चल रही थी, क्योंकि मैं सर्दियों में भी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ एंड आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैं एक पैक ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ, इसको मैंने एकदम बिल्कुल बीच से काट कर भी मतलब सारा यूज़ कर लिया है, बिल्कुल नहीं छोड़ा है एंड ये मेरा सेकेंड पैक है। तो मुझे सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा पसंद है, इससे मेरी स्किन बहुत नरिश बनी रहती है हर टाइम 24 आवर, तो मुझे सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आपको जो सनटैन की प्रॉब्लम भी हो जाती है ना उससे इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको। तो बस ये थी मेरी सर्दियों के लिए, लेकिन अब जो मैं लेने वाली हूँ वो मैं लूँगी 30-40, मतलब इसका SPF होना चाहिए। कैसे करते हैं मैं वो भी बता देती हूँ, तो जितने भी हमारे एक्सपोज एरिए हैं हमें इसे उन जगहों पर लगाना है जैसे कि हमारा फेस, हमारे नेक, हमारे हैंड, ये सारी चीज़ें धूप में मतलब ऊपर की तरफ रहती हैं और बहुत ज़्यादा मतलब सन रेज हाई रहती हैं, जैसे कि मई जून की जो गर्मियाँ होती हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारे सन टैन की प्रॉब्लम हो जाती है और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई अजीब सी हो जाती है, मतलब आप समझ सकते हो कैसी हो जाती है आप लोग धूप को अगर फेस करते हो तो हर दिन हर रोज़। तो जितने भी
ऑफिस जाने वाली वुमेन्स हैं या कॉलेज स्कूल वाली गर्ल्स हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है उनकी स्किन के लिए। तो आई थिंक इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। एंड इसको आपको थोड़ी क्वांटिटी में लेना है, उतना ही जितना आपको यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना। और आपको निकलने से पहले, मतलब 15 मिनट पहले, आपको इसे अपने फेस, अपने नेक, अपने हैंड पर लगा लेना है अच्छे से। अगर आप पैरों में धूप वाले सॉक्स पहनना नहीं पसंद करते हैं तो आपको अपने लेग में भी इसको लगा लेना है। और अगर सॉक्स पहनते हैं तो कोई बात नहीं, उसको लगा कर भी आप सॉक्स पहन सकते हो, तो उससे भी आपकी स्किन में ब्लैकनेस नहीं आएगी, सनटैन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी स्किन भी सही बनी रहेगी। तो आपको घर से निकलने से 15 मिनट पहले इसको अपने नेक पे, अपने फेस पे, या जहाँ भी आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। एंड क्योंकि ये 15 मिनट पहले मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ताकि आपकी स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए एंड आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपका फेस बिल्कुल भी डलनेस में नहीं आएगा एंड काफ़ी ग्लो भी करता रहेगा। डलनेस तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसे यूज़ करती हूँ तो मैं बता रही हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्लो करता है हमारा फेस थोड़ी देर के बाद। तो मुझे VLCC के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली ये सनस्क्रीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है मेरी स्किन के लिए। तो आई थिंक आप लोग को इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, जो मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन है ना, वो बिल्कुल भी डल नहीं होता है, जैसा का तैसा ही रहता है। मतलब जो मेरा कलर है सेम टू सेम वही रहता है इसे यूज़ करने के बाद, क्योंकि अगर हम सनस्क्रीन वगैरह नहीं यूज़ करते तो हमारा फेस बहुत ब्लैक दिखने लगता है, हमारे हाथ पैर बहुत काले हो जाते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए और डेली यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।